फैमिली कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई हूँ मैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो है ना वो होने वाली है प्रैंक कौन यश चौधरी फ्रेंड। हाँ यार मैं यश चौधरी की फ्रेंड पे ना प्रैंक करने वाली हूँ और बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। यार बात यह गुस्सा तो आ रहा है थोड़ा, आजकल मूड अच्छी चल रहा है तो प्रैंक सोचा काट दिया जाए यार किसी का। तो मैंने उसे मिलने बुलाया तो पूछती हूँ मैं उसे वो कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं। वीडियो का कंटेंट बहुत धांसू है यार तो वीडियो को स्किप मत करना। हेलो हेलो मोना कहाँ है यार? यार मैं तो अभी यहाँ पर थी लाजपत नगर साइड। लाजपत है यार तो सुन एक बार सीपी आ जा यार। कितनी देर लगेगी सीपी यहाँ से? थोड़ा ही देर का है ना रास्ता। हाँ तो यार मुझे ना यश चौधरी के बारे में ना बहुत जरूरी बात करनी है। क्या क्या बात हो गई? बात तो हो गई, तू आएगी तभी बताऊंगी ना यार। अर्जेंट है? मतलब बहुत सीरियस मैटर है, देखो आना ही पड़ेगा एक बार। तो मैं वेट कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेट आ जा लेकिन बट यू हैव टू कम। अच्छा चल ठीक है मैं आती कल। चल तू गेट नंबर 7 पे पहुंच के एग्जिट लेके मेरे को कॉल कर लियो ठीक है? अच्छा ठीक है सर ठीक है। तो यार थोड़ा टाइम लगेगा बंदी को आने में। यार बंदी के मन में क्या है मेरे को ऐसा लगता है कि उसके मन में ना यश के लिए थोड़ी सी इधर उधर वाली फीलिंग्स होती है ना जब वो है। तो आज इससे ये भी प्रूव हो जाएगा क्या होने वाला है वीडियो में। तो वेट करते हैं बंदी का थोड़ी देर के लिए, बाकी आप बने रहो। वेटिंग टाइम में थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ी सेल्फी वेल्फी हो जाए यार, बहुत दिनों से ली नहीं है, मैंने नया फ़ोन लिया है। फ़ोन आ गया। हेलो हाँ मोना कहाँ है? रिक्स में यहाँ पे पार्क के साइड में आ गई विजिट करके। तेरे सामने ही हूँ ये देख आ जा। अच्छा क्या हाल चल बहन? बढ़िया। हाय बढ़िया। हाउ आर यू? गुड। हाँ तू कैसी है? बढ़िया बैठा। क्या बात हो गई, इतना अर्जेंट बुलाया तूने मेरे को? अरे यार यश को लेके ना कुछ बात करनी थी तुझसे। यार मैंने सुना है तेरा और यश का सीन चल रहा है। किसने कहा तुझे ऐसा? मैंने सुना है ऐसा। कहाँ से सुन लिया? सुना ही होगा किसी से, तुम्हारे आसपास के लोगों से ही सुना है जो तुम्हारे साथ रहते हैं 24 घंटे। नहीं यार देख अगर ऐसा तो बता दे। तू पागल है क्या? ऐसा थोड़ी कुछ है। और मैंने सुना यश भी देखो लाइक करता है। नहीं यार हम सिर्फ अच्छे दोस्त है। सिर्फ अच्छे दोस्त? किसने कहा ये सब? दोस्त तो हम भी है यश और मैं। लेकिन यार देख उसकी और मेरी दोस्ती अलग है, तू और वो तुझे पसंद करता है तो मेरी और उसकी वजह उसके बीच में ऐसा कहाँ से कुछ आ जाएगा? और जिन्होंने कहा है ऐसे कौन लोग हैं मुझे बता। तेरे को पता है 100 की एक बात, तेरे को पता है मैंने कभी यश को हाँ क्यों नहीं बोला, हमेशा उसे डिनाई क्यों किया? क्योंकि ना मुझे यश पसंद ही नहीं है। उसकी जो किलसाने वाली बातें होती है 24 घंटे, मतलब किलसाना पता है वो, मतलब हम लोग ना बिरयानी खाते हैं उसमें से भी खा जाता है वो, मेरी बिरयानी भी खा लेता है सारी। और मुझसे मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसी ऐसी बातें करता है ना इतनी किलसाने वाली। तो सही है मैं ये सोचती हूँ कि ये मैं रिलेशनशिप में हुई नहीं उसके साथ, उसकी बंदी तो 2 दिन में छोड़ के भाग देगी उसको। ये क्या बात कर रही है तू? सच बोल रही हूँ मैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और अच्छा है मेरा डिसीजन बढ़िया है कि हाँ ब्रेकअप के बाद मैं यश के साथ नहीं आई। ये मुझे पता है पब्लिक बहुत प्यार करती है तो क्या हो गया, मैं एक दो गाली खा लूंगी, लेकिन यार मैं यश के साथ कैसे रह लूँ? मुझे पता है ना वो, और सबको नहीं पता ना। यार तू ऐसे कैसे बोल रही है उसके बारे में? कैसे ना बोलूँ? और नहीं तुम लोग इतने टाइम से साथ में थे, चल ठीक है ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन इसका ब्रेकअप का हम रिलेशनशिप में कब थे बहन? हम तो रिलेशनशिप में, रिलेशन में तो हम आए नहीं कभी। तुम लोग तो थे साथ में? साथ में थे ना, एज अ गुड फ्रेंड साथ थे, एज अ क्लोज फ्रेंड साथ थे, लेकिन रिलेशनशिप में कभी नहीं आए। और अच्छा हुआ मैं नहीं आई, मुझे वो ना बंदा पसंद नहीं है और मैंने उसको ना ब्लॉक कर दिया। क्यों पसंद नहीं? आई हेट हिम। तो फिर तू उसके साथ क्यों रहती थी? मैं रहती थी, अब तो नहीं रहती ना, इसलिए रहती थी क्योंकि यार मुझे लगता था बंदा सही है, रिलेशनशिप में आने की सोच सकती हूँ। लेकिन बहुत सही हुआ यार, मतलब भगवान का शुक्र है कि मुझे उसकी असलियत पता चल गई, क्योंकि वो तेरे साथ रिलेशन में है ना। वो मेरे साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं है। मुझे पागल मत बना ठीक है, मुझे उससे नफरत है, नफरत। वैसे तुम और यश मिले कब थे? हम लोग मिले थे सिटी में ही, जब वो शूट कर रहा था अपना शायद, तो रैंडमली मिले। हाँ तब से तुम अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे तो शर्म नहीं आती एक दिन की आई लड़की के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है, बता। क्या एक दिन की आई लड़की? शर्म आनी चाहिए यश चौधरी ना, बस आई हेट हिम। सही हुआ मैंने उससे बात ही नहीं करी, वो लायक ही नहीं है। अगर करती तो उसके साथ
साथ ही क्यों थी फिर? बहन मैं साथ थी ना, थी थी और है में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। अभी भी तेरे मुंह पे उसी का ही नाम है, क्यों है फिर? तो मैं उसके बारे में बात करूँ तो उसी का तो नाम होगा मुंह पे। अब मेरे मैं बात यश चौधरी की कर रही हूँ, मेरे मुंह पे मोना थोड़ा आ जाएगा। तो उसको डायरेक्टली जाके बोलना ये चीज। बोल दी ना मेरी सारी चीजें, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, वो लायक नहीं है मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहने के। अगर वो लायक नहीं है तो तू भी उसके लायक नहीं है फिर। मैं लायक ऐसे उसके पीठ पीछे बारे में बोल रही है, हम हिम्मत है तो उसके सामने बोलना फिर ये चीज़। तो मैंने उसको सामने ही बोली है सारी चीज़। मैं कैसे मान लूं कि तूने ये चीज़ें उसके सामने बोली हैं? मेरे को तू पूछना से मुझे ये चीज़ फोन करके पूछ। तू मुझे ये चीज़ बोल रही है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं ये कैसे मान लूं? दुनिया लोग तो कुछ भी कहती है ना। तू एक बात बता, तू इतना चिढ़ क्यों रही है उसके नाम पे? मैं उसके लिए नेगेटिव बोल रही हूँ, मैं उसके लिए नेगेटिव बोल रही हूँ तो इतना चिढ़ क्यों रही है? मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के बारे में तेरा तेरा चक्कर है ना उससे, तभी तो चिढ़ रही है ना। कुछ भी बोली जा रही थी देर से और मैं सुन रही हूँ तेरी बकवास। बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। तू बता अगर मैं उसके लिए नेगेटिव बोल रही हूँ तेरे को, तेरा दिल ना दुख रहा हो। कोई दोस्त होगी तेरे साथ में, मैं उसके बारे में कुछ भी गलत बोलूँ तो तू सुन लेगी? नहीं सुनूंगी मैं, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनेगी ना। तो मेरा वो लेकिन तेरी वाली फीलिंग्स तो मुझे अलग ही नजर आ रही है, कोई और ही नजर आ रही है। रिच देख उसको। सही है, सही है, तुम दोनों ना लायक भी नहीं हो मेरे मेरी दोस्ती के ना, और तुम दोनों साथ। हाँ हम लायक नहीं है ठीक है, लेकिन तू भी किसी चीज के लायक नहीं है। तू मुझे ऐसा कैसे उसके बारे में इतना कुछ बोलूंगी ना मैं? वो लायक नहीं है ना। मैं फील करती हूँ तुम मुझे नहीं पसंद है, तो मैं मुंह पे बोल रही हूँ तेरे। पता है एक थाली में खाते है ना उसमें से भी उठा के खा जाता है वो। और अब तुम चल ठीक है, मैं छोटी छोटी चीजें उसकी इग्नोर करती थी, गंदी हरकतें चीजें इग्नोर कर रही थी। शूट पे आया ठीक है, पार्किंग में ठीक है, एक लड़की को पकड़ा, उसके साथ शूट किया, पता क्या कर रहा उसके बाद? मतलब मैं बाहर खड़ी हूँ, उसकी दोस्त बाहर पार्किंग में खड़ी है और लड़की बैठी है गाड़ी की फ्रंट सीट में। वाह, तालियां बजाओ, तालियां। सही किया उसने, मैं तो ये कहूंगी बहुत ही सही किया। तो उसके बारे में चीजें बोल रही है ना, तो मैं क्यों ना बोलूं? मैंने सारी चीजें नोटिस की है ना। लड़की जैसे आई कोई, मतलब शूट पे लड़की मिली, दोस्ती वोस्ती यारी हो गई, और उसके बाद व्हाट्सएप पे वही टैन टैन आई लव यू आई लव यू, क्या है ये? कोई झाट बना के रखा है, दुनिया में चल रही है। मैं अलग दुनिया में नहीं चल रही बहन, और लायक भी नहीं हो तुम लोग मेरे ठीक है। तुझे अरे तू बकवास सुन रही हो, मैं कुछ भी बोलूं तुझे इसमें गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करूं? तू एक्सेप्ट कर ले, तुझे प्यार है उससे, तू उसको पसंद करती है, कर ले एक्सेप्ट। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ठीक है मुझे वो अच्छा लगता है, मैं बात करती हूँ। वो तुझे पसंद करता था इसलिए मैंने थोड़ा बैकआउट कर दिया। इट डजंट मीन ना कि तू उसके बारे में कुछ भी बोल देगी मेरे सामने। देखा आ गया ना सच जुबान पे। हाँ तो पसंद है वो मुझे, लेकिन पसंद है ना, हट गई ना मैं, क्योंकि वो तुझे पसंद है। मेरा वो अच्छा दोस्त है और उसकी अगर कोई पसंद है ना तो मैं भी उसको पसंद करती हूँ फिर। लेकिन अगर तू उसके बारे में इतना गलत बोलेगी ना तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी यार। सही है, चल बढ़िया, पता लग गया मुझे। एक काम कर, मेरे को पता चल गया कि तू उसके बारे में क्या सोचती है, और थैंक गॉड कि मुझे पता चल गया। अभी जाके मैं उसको बताऊंगी कि तू उसके बारे में क्या सोचती है। सीरियसली आई रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टू यू, सीरियसली। तो उसने हरकतें करी है भाई, मैं क्या करूं? जो हरकत करी है, लेकिन मेरे को उससे कंफ्रंट करना है कि ये सब हो क्या रहा है यार। ऐसे कोई किसी के बारे में कुछ, तू मुझे ब्लॉक कराएगी क्या? तू ब्लॉक कराएगी, तू ब्लॉक होगी और हर जगह से ब्लॉक होगी। अच्छा, मैंने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया है, मैंने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया है। मैं किसी की जिंदगी में ना पीछे नहीं भागती। सोशल मीडिया से किया होगा ना, वो तुझे अपनी लाइफ से ब्लॉक करेगा और कभी जिंदगी में तेरी मतलब उससे तेरे पे भरोसा होगा, मुझ पे नहीं होगा। मेरे पे तो होगा ही होगा इतना। वो तो चल मुझे उससे बात नहीं करनी, लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ उससे आज बात कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर रहा। बहुत हो रहा है, इतनी देर से सुन रही हूँ। मेरी बात सुन, हाथ मत लगा पीछे कर, चल चल चलना। बताती है तुम्हारी जैसी ठीक है, और अब बता देती ना, बहुत आती है। और मेरे को तूने ये बकवास करने को बोला था, मुझे नहीं पता था। मुझे भी तेरे से एक्सपेक्ट नहीं था कि तूने क्या किया। तुझे पता था जब मेरा उसके साथ होने वाला है इन फ्यूचर कनेक्शन, फिर तूने उसके, फिर तू उसके साथ चेप हो रही है, फिर तू उससे बातें कर रही है। मैं चेप हो रही हूं? मेरा वो अच्छा दोस्त है, यही तो प्यार दिख रहा है, यही तो प्यार है कि तू उससे प्यार करती है, एक्सेप्ट करना उसको। मेरा कुछ भी हो, मेरा वो अच्छा दोस्त है, लेकिन तू क्या कर रही है वो तू देख ना। एक काम कर, उसको ब्लॉक करा दे जा, मैंने तो कर दिया वैसे। मुझे ऐसे दोस्त चाहिए नहीं आज के बाद कभी, मुझे कॉल करके। हां ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उसको कॉल करके बताऊं। गेट लॉस्ट, सुन बात तो सुन ले, एक आखिरी बात, बात तो सुन। क्या है? मैंने सोचा था कि यार ना रिश्तेदार, मम्मी पापा भाई बहन कजन, पूरे पारिवारिक प्रैंक हो चुके हैं, तो सोचा था एक मोना रह गया उससे प्रैंक क्यों ना कर दिया जाए। ये तू प्रैंक कर रही है? कैमरा लगा हुआ है बहन सामने वाले। अबे यार तुम लोग पागल हो गया। मैंने कहा यार
मैंने कहा लाजपत नगर से आ रही है इतनी दूर से यार, प्रैंक कर दिया जाए यार, थोड़े पैसे वसूल हो जाएंगे ना। होती है सॉरी यार, मैं ना उससे उसकी ना दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मतलब मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा गई तू, नहीं तो आज वो लायक है यार, मतलब वो मतलब हम लोगों के साथ ही रहना है उसको यार। मतलब तुझे लगता है मैं कभी उसके लिए नेगेटिव बोल भी सकती हूँ? सोचना ही मेरे लिए तो पाप है यार अपनी दोस्ती के लिए। और तुझे पता है हर जगह मैंने प्रायोरिटी अपनी दोस्ती को ही दी है, तो मैं अपने दोस्तों के लिए कैसे गलत बोल सकती हूँ यार। ये सिर्फ एक प्रैंक था ये देखने के लिए कि यार दोस्त भी लॉयल होते हैं। अगर मैं उसके लिए नेगेटिव बोलती हूँ तो तेरी क्या, तेरा जो मैसेज है वो लोगों तक ये जाएगा कि हाँ दोस्ती में कितनी लॉयल्टी है यार। हाँ तो तेरे को मैं ही मिली प्रैंक करने के लिए। तो यार और उससे तेरे से अच्छी दोस्त कौन है ना उसके इसलिए। पागल वरना तू बहुत बहुत पिट, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। तो प्लीज यार बुरा सोचो भी मत, पीठ पीछे बुरा बोलना तो दूर की बात है यार। तो ये सिर्फ प्रैंक था, दिल पे मत लेना। और बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने दोस्तों से, बहुत ज्यादा, इससे यश से सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यार दोस्ती के नाम पे वीडियो शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बोलना चाहोगे आप कुछ? कर दो यार इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर इसका वीडियो वीडियो। बाकी इंस्टाग्राम पे आ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छी अच्छी वीडियोज आते रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेंगे, इनका काटते भी रहेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।